शिमला जिला के रामपुर बुशहर में 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के छात्र छात्राओं की खेलों के दौरान योग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विभिन्न स्कूलों से आए छात्र छात्राओं वर्ग की अलग अलग योग प्रतियोगिताएं इस मौके पर करवाई गईं। आयोजकों ने बताया कि उनका प्रयास है कि योग को सभी स्कूल अपनाएं। इस तरह की प्रतियोगिताएं कराकर स्कूलों और छात्रों में योग के प्रति रुझान को बढ़ाया जा रहा है। शिमला जिला के रामपुर बुशहर में 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के छात्र छात्राओं के खेलों के दौरान योग प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र रही। विभिन्न स्कूलों से आए छात्र एवं छात्रा वर्ग की अलग अलग योग प्रतियोगिताएं करवाई गई। आयोजकों ने बताया कि उनका प्रयास है कि योग को सभी अपनाएं। इस तरह की प्रतियोगिताएं कराकर स्कूलों और छात्रों में योग के प्रति रुझान बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि दूर दराज के स्कूलों तक योग का प्रचार प्रसार होगा तो आम ग्रामीण भी इस दिशा में सजग होंगे। योग शिक्षक रविंदर सिंह ने बताया कि रामपुर में 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के छात्र छात्राओं की खंड स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के दौरान योग प्रतियोगिताएं करवाई गई। उनका मकसद है कि योग को अधिक से अधिक स्कूलों तक पहुंचाना। मेरा नाम रविंदर सिंह है, मैं फिजिकल इंस्ट्रक्टर रामपुर SVPS रामपुर बुशहर से हूँ। हम यहाँ पे जो योगा का हो रहा है और योगा करवा रहे हैं, यहाँ पे जो टूर्नामेंट्स लगे हुए हैं Under-14 टूर्नामेंट्स जो यहाँ पे लगे हुए हैं, रामपुर जोन रामपुर ब्लॉक के सभी बच्चे यहाँ पे Under-14 टूर्नामेंट्स में आए हैं। तो हमारा एक योगा कंपटीशन चला था अभी तक, तो हमारा मकसद ये है योगा से कि हमारा जो ये योगा है, ये नव जो नई पीढ़ी है, ये समाज सुधार के लिए और साथ ही साथ थोड़ा इससे समाज के लिए हम इसको थोड़ा और ज़्यादा फैलाना चाहते हैं स्कूली स्तर पे, ताकि हर स्कूल में इस चीज़ को कंपलसरी करना है, ताकि ये योगा जो है ये हमारे शरीर के लिए फिटनेस और साथ ही साथ ये समाज के लिए स्वच्छ और हर एक चीज़ को ये अच्छे से बनाता है, अगर इसको अच्छे से किया जाए। स्कूली छात्र पार्थवी ने बताया कि आज यहाँ योग प्रतियोगिता हो रही है। उन्होंने बताया कि योग अवश्य हो गया है, क्योंकि योग हमारा जीवन स्वच्छ और स्वस्थ बनाता है। हम नियमित रूप से स्कूल में योग करते हैं। नियमित रूप से योग करने वाले को डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती है। गांव में भी लोग योग के प्रति सजग रहते हैं। नाम पार्थवी वल्टा है, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रिचोली से आई हूँ। आज यहाँ पे योगा का कॉम्पिटिशन हो रहा है और हम यहाँ पे सब पार्टिसिपेट करने आए हैं। हमें को योगा करनी चाहिए, क्योंकि योगा से हमारा जीवन स्वस्थ बनता है। और हम स्कूल में भी योगा की क्लासेस लेते हैं और गांव में भी अपने लोगों को बताते हैं कि योगा करना चाहिए। योगा एक लाभदायक क्रिया है जिससे हमारा जीवन सुंदर एवं स्वस्थ बनता है। वहीं सावी मेहता ने बताया कि यहाँ योग प्रतियोगिता हो रही है। योग हमारी सेहत के लिए जरूरी है और आज के दिनों में योग अपना महत्व रखता है। मेरा नाम सावी मेहता है, मैं साई विद्या पब्लिक स्कूल से आई हूँ। यहाँ पे योग कंपटीशन हो रहा है, हम सब हिस्सा ले रहे हैं। नीतू ने बताया कि स्कूली छात्र छात्राओं की योग प्रतियोगिता में वे हिस्सा लेने आई हैं। गांव में भी योग सिखाती हैं, स्कूलों में वे नियमित रूप से योग करते हैं। योग से मन और शरीर के अलावा दिन भी स्वस्थ गुजरता है। मेरा नाम नीतू चौहान है, मैं साई विद्या पब्लिक स्कूल रामपुर बुशहर से आई हूँ। मैं यहाँ पे योग कंपटीशन में आई हूँ और मैं गांव में योग सिखाती हूँ, स्कूल में योग सिखाती हूँ। और योग सेहत के लिए बहुत जरूरी है।